हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर सो गुड. ओके, टुडे वी विल डिस्कस साइंस. इन प्रीवियस क्लास वीडियोज वी डिस्कस्ड फर्स्ट चैप्टर. ओके, हम लोग पिछले क्लास में फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस कर चुके थे और अभी हम लोग सेकेंड चैप्टर डिस्कस करेंगे. ठीक है, हियर फर्स्ट चैप्टर है हम लोगों का न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए थे. और हमने पढ़ा था पिछले क्लास वीडियो में कि किस तरीके से प्लांट्स में न्यूट्रिशन होता है, प्लांट्स कितने प्रकार के पाए जाते हैं, कितने टाइप्स के न्यूट्रिशन प्लांट्स में होते हैं, इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर चुके थे. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड, आप लोगों को समझ में आया होगा. ओके, सेकेंड चैप्टर है हम लोगों का न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. ठीक है, ये हम लोगों का सेकेंड चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. अब एनिमल्स में न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में डिस्कस होगी हमारे इस चैप्टर में. ठीक है, एनिमल्स में पोषण किस तरीके से होती है, जो डिस्कस हमारे कहाँ होगा, इस चैप्टर में होगी. ओके, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमारे इस चैप्टर में क्या क्या पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है, उसको जान लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट हम लोगों का नीड ऑफ एनर्जी. तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ेंगे, नीड ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है या एनिमल्स को एनर्जी क्यों चाहिए. ठीक है, सेकेंड पॉइंट है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. ठीक है, एनिमल्स में न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में डिस्कस होगी. न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में डिस्कस होगी. थर्ड पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा. अमीबा में न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में डिस्कस होगी. अमीबा आप लोगों ने सुना होगा कि जो अमीबा होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जिसको हम अपने नग्न आँखों से नहीं देख सकते, उनमें भी न्यूट्रिशन की क्रिया होती है, किस प्रकार से होती है, हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे. इसी में अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस. अब ह्यूमंस में न्यूट्रिशन किस प्रकार से होती है, इसके बारे में जानेंगे. ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे. ह्यूमंस का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, किस प्रकार से वर्क करता है और कैसे इसकी स्ट्रक्चर होती है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का ह्यूमन टीथ. ठीक है, ह्यूमन टीथ के बारे में डिस्कस करेंगे. ह्यूमंस में टीथ कितने प्रकार का होता है, ये जानेंगे. अगला टॉपिक हम लोग का स्ट्रक्चर ऑफ टूथ. अब जो ह्यूमंस का टूथ होता है, दांत होता है, उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार के होते हैं, इनके बारे में डिस्कस होगी. एंड लास्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन रूमिडेंट्स. अब जो मवेशी होते हैं, उनमें किस प्रकार से न्यूट्रिशन हो रहा है, उसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, ऐसे मवेशी समझ रहे होंगे आप लोग, जैसे गाय हो गई, काउ है, ठीक है, बफेलो है, भैंस बोलते हैं, उन सब में किस प्रकार से न्यूट्रिशन होता है, उनका जो शारीरिक आकार है किस प्रकार से होती है, इन सब के बारे में डिस्कस होगी. ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी. नाउ स्टार्ट चैप्टर. ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक इज नीड ऑफ एनर्जी. अब एनर्जी की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं. ओके, आप लोग अपना बुक ओपन कर लीजिए. ठीक, आशा करते हैं आप लोगों ने बुक ले लिया होगा. अगर बुक नहीं लिए हैं तो बुक ले लीजिए, क्योंकि बुक आपको नेसेसरी है, आवश्यक है. ओके, देन लेट अस स्टार्ट. ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स नीड एनर्जी.
है कि ऑल एनिमल्स, सभी जो जीव हैं, जंतु हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग उनमें सम्मिलित करते हुए किसको, ह्यूमन बींग्स को, मानव जाति की को सम्मिलित करते हुए, ठीक है। नीड एनर्जी, आवश्यक है एनर्जी, मतलब सबको, सभी जीवों को, मानव के साथ साथ सभी जीवों को क्या है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, कंसीडर योर ओन बॉडी, आप अपने खुद के बॉडी को कंसीडर कीजिए, देखिए, जानने की कोशिश कीजिए। द ट्रिलियंस ऑफ सेल्स दैट मेक अप योर बॉडी नीड एनर्जी, करें कि जो हमारा बॉडी है उसको कंसीडर कीजिए, उसके उसको देखिए कि वह ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, बहुत से सेल्स से मेकअप, मतलब कि बना हुआ है, ठीक है। हमारा जो बॉडी है वह ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, बहुत से सेल्स से जो है, कोशिका से मिलके बना हुआ है, और जिसको क्या है, नीड एनर्जी, उसको एनर्जी की आवश्यक होती है, उसको एनर्जी चाहिए होता है, ठीक है। इवेन एट रेस्ट, इवेन सदैव, मतलब क्या होता है, उसको रेस्ट की भी जरूरत, एट रेस्ट ये सेल नीड एनर्जी टू स्टे एलिव, ताकि इसके अतिरिक्त जो है, इस सेल्स को, एक सेल को एनर्जी की आवश्यकता होती, स्टे एलिव मतलब कि जीवित रहने के लिए, स्टे मीन्स रहना, जी एलिव मीन्स जीवित, मतलब कि एक सेल को भी, एक सेल को भी, अभी तो हमारा बॉडी जो है ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बना हुआ है, जबकि एक सेल्स को भी जीवित रहने के लिए नीड एनर्जी, एनर्जी की आवश्यकता है, एनी फॉर्म ऑफ वर्क सच एज द कंट्रक्शन ऑफ ए मसल्स एड थ्रू द बॉडी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। ताकि एनी फॉर्म ऑफ वर्क, किसी भी प्रकार का जो वर्क है, सच है, जैसे कि कंट्रक्शन ऑफ ए मसल्स, मतलब कि जो मसल्स होती है उसको कंट्रैक्ट करने के लिए, सिकोड़ने के लिए, ठीक है, कंट्रक्शन ऑफ ए मसल्स एड टू बॉडी एनर्जी रिक्वायरमेंट, कहना कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए भी एनर्जी की आवश्यकता होती है, ठीक है, हमारे बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है। इन ऑर्डर टू मीट इट्स एनर्जी नीड्स, आवर बॉडी मस्ट बी एबल टू यूज द एनर्जी स्टोर इन द फूड्स यू ईट, है कि जो एनर्जी होती है वो एक तो एबल टू यूज, यूज करने के योग्य होती है, साथ ही साथ स्टोर इन द फूड्स यू ईट, जो हम फूड यूज करते हैं, या आप जो फूड यूज करते हो वह एनर्जी के रूप में स्टोर भी हो जाती है, जो कि हमारे बॉडी को यूज करने की एबल, मतलब योग्य बन जाती है, ठीक है, योग्य होती है। इतनी बातें समझ में आ गई है। तो नीड ऑफ एनर्जी में हमने जाना कि जो एनर्जी है हमारे बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक है, किसी भी कार्य को करने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।